हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा टू गूगल शीट्स तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में आप कोई नई रो ऐड करेंगे कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे आपकी गूगल शीट की रो में भी जी हाँ ये पूरे प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेब्लिकनेट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स को कनेक्ट करके इस पर आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सल और आपकी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल तो आप कैसे बना सकते हैं इस ऑटोमेशन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं दोनों एप्लीकेशंस को आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सल और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सल की रो में आप कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स आकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में तो ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैब्लिकट की मदद से तो चलते हैं न्यू टैब पे आप देख सकते हैं ये है पब्लिका लैंडिंग पेज पब्लिक की मदद से हम गूगल शीट्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सल को कनेक्ट करेंगे पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशन को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आप एक नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पब्लिक ये पाँचवें एप्लीकेशन आज हमको यूज करना है पब्लिक कनेक्ट का तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने अब ओपन होगा पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड इसके बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे क्लिक करना है इस ब्लू बटन पर क्रिएट वर्क फ्लो पे जैसे आप क्रिएट वर्क फ्लो पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्क फ्लो को एक नाम देना है तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ एड एमएक्स एक्सल डेटा टू कूगल शीट्स आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन्स मतलब जब ऐसा हो तो एक्शन कहता है डू दिस मतलब ऐसा कर दो तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में मैं कोई नई लीड्स की डिटेल एंटर करता हूं तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली सीम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में भी हम गूगल शीट और एमएक्स एक्सल को सिंक करना चाहते हैं कि जैसे ही एमएक्स एक्सएल में कोई डेटा ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली वो डेटा गूगल शीट पर भी आके हो एड तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सएल और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे चूज करूंगा सबसे पहले अपने ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सएल यहाँ से चूज करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू रो इन वर्कशीट इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे कोई नई रो ऐड होती है वर्कशीट में तो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं हमारा वर्क फ्लो हो जाए ट्रिगर और उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर तो उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से तो आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन न्यू टैपे यहाँ पे मैंने एक वर्क बुक क्रिएट करके रखी जिसका नाम है लीड्स इस पर्टिकुलर वर्कबुक में मैं अपने सारे लीड्स की डिटेल एंटर करता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं जैसे कि फर्स्ट नेम लीड का लास्ट नेम उनका ई और उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सल का अकाउंट है ये हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे जाना है टू कनेक्शन पे फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सल अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन है न्यू टैब पे तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक्सेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे क्लिक करूंगा एक्सेप्ट पे तो आप देखेंगे एक्सेल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से और देखिए हमारा ऑथोराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल ऑथराइजेशन सक्सेसफुल होते ही सबसे पहले हमको चूज करनी है वर्क बुक की किस पर्टिकुलर वर्क बुक पे आज हम काम कर रहे हैं और किस वर्क बुक का डेटा हमें फेच करना है पब्लिक कनेक्ट के पास तो चलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सल के अकाउंट पे तो देखिए हमारी वर्क बुक का नाम है लीड्स जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे चूज कर लूंगा अपनी वर्क बुक जिसका नाम है लीड्स इसके बाद आता वर्कशीट तो देखिए वर्कशीट हमारे सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट क्योंकि मैंने एक ही शीट यहाँ पे क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है शीट वन अब देखिए पब्लिक कनेक्ट पर जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट की बटन पर क्लिक करूंगा जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सल की रो का डेटा है फर्स्ट रो का डेटा वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास ऑटोमेटिकली कर लेगा कैप्चर इसका मतलब इस पर्टिकुलर एक्सल शीट को हम कनेक्ट कर देंगे पब्लिक कनेक्ट से तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पर क्लिक करते सीव एंड सेंड टेस्ट की बटन पे तो आप देखेंगे जो भी लीड्स की डिटेल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में जैसे कि लीड का नेम टेस्ट लास्ट नेम यूजर ईमेल कांटेक्ट नंबर ये सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर चलता है पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए आप हमको ई रिस्पांस हो चुका है रिसीव और देखिए ये हमारे लीड का कॉन्टैक्ट नंबर ई एड्रेस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आप देख सकते हैं सेम डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कर ली है कैप्चर इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है हमने माइक्रोसॉफ्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है पब्लिक कनेक्ट से पर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पे लिखा है आवर्स इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सल और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है तो जो हमारे वर्क फ्लो का ट्रिगर है वो हर आठ घंटे में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सल से सारी डिटेल्स करेगा फैच और सेम डिटेल्स एड कर देगा गूगल शीट में अब जो रिस्पॉन्स हमको मिला है यही सेम रिस्पॉन्स का यूज करके हम गूगल शीट पर डेटा एड करेंगे तो चलते हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे एक्शन एप्लीकेशन हमारी क्या है गूगल शीट से चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो क्योंकि गूगल शीट पे हम नई रो ऐड करना चाहते हैं कि जैसी एक्शन में कोई नई रो ऐड हो कोई नई डिटेल्स एड हो तो ऑटोमेटिकली गूगल शीट पे भी नई रो ऐड हो जाए तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे चूज कर लिया मैंने अपना एक्शन इवेंट ऐड न्यू रो अब गूगल शीट का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे जाना है डो कनेक्शन पे क्लिक करना साइन इन विद गूगल पे इसके बाद आपको चूज़ करना अपना अकाउंट जहाँ पे आपने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है तो चूज़ करने के बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे क्लिक करूंगा अलाउ पे और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो चुका है इसका मतलब जो हमारी गूगल शीट है वो भी कनेक्ट हो चुकी है पब्लिक कनेक्ट से अकाउंट कनेक्ट होती है आपको चूज करनी है अब स्प्रेडशीट तो देखिए स्प्रेडशीट का नेम क्या है चलता है हमारी गूगल शीट पे, ये है हमारी स्प्रेडशीट का नेम जिसका नाम है लीड्स डेटा इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में मैं सारी डिटेल्स सेट करना चाहता हूँ जो मेरे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से मिल रही है जैसे कि लीड का नेम ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर तो जाऊँगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे चूज कर लूंगा अपनी स्प्रेडशीट लीड्स डेटा तो देखिए हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट ये हमारी स्प्रेडशीट तो देखिए आप जितनी भी स्प्रेडशीट मैंने क्रिएट करके रखी है मेरे गूगल शीट के अकाउंट पे वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी जैसे पर्टिकुलर स्प्रेडशीट मैंने कर लिए सिलेक्ट जिसका नाम है लीड्स डेटा शीट में हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट क्योंकि मैंने एक ही शीट यहाँ पे क्रिएट करके रखी है अब जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे और ये सारी डिटेल्स अब हम करेंगे फिल जैसे कि लीड का नेम लास्ट नेम ई एंड कॉन्टैक्ट नंबर तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है एंटर टेक्स्ट और मैप डेटा तो देखिए ये जो फील्ड्स हैं ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है तो देखिए मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से इस सेम रिस्पांस का यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सल जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी इसके ड्रॉप डाउन पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सल से वो आपको यहाँ पे सब दिख रहा होगा तो जो मेरी लीड का फर्स्ट नेम था वो था टेस्ट जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये डेटा यहाँ पे हो चुका है मैप इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम था लास्ट नेम भी मैं यहाँ पे करूंगा मैप देन लीड का ई एड्रेस देन लीड का कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स मैं इसी ट्रिगर एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स से कर दूंगा मैप तो देखिए सब मैंने पे कर दिया है फिल अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों किया और ये मैपिंग का मतलब क्या होता है, तो है माइक्रोसॉफ्ट तो हो मतलब की रो में जब मैं कोई नया डेटा एंटर करूंगा कोई नई डिटेल एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो नया डेटा है वो यहां जाएगा अपडेट और हमारा वर्क फ्लो होगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट में वो भी ऑटोमेट automatically.

और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी है इस पर्टिकुलर शीट पे जिसका नाम है लीड स्टेट लास्ट में यूजर ईमेल है टेस्ट यूजर एट द रेट पब्लिक और ये है कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं सेम डिटेल्स मैंने ऐड करी थी एक्सेल की रो में वही सेम डिटेल्स गूगल शीट में ऑटोमेटिकली आके हो चुकी हैं ऐड इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है सिंपली दो स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप जो वर्क करेगा हर एट आवर्स में क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सल और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पुलिंग बेस्ड कनेक्शन है तो हमारे वर्क फ्लो का ट्रिगर हर आठ घंटे में जाके एक्सेल से ये सारी डिटेल्स करेगा फेच एगा पेब्लिक के पास और ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स ट्रांसफर कर देगा गूगल शीट की रो में तो अगर आप भी इस वर्कफ्लू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेब्लिक की मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं सपोर्ट एट द रेट पेबली डॉट कॉम पर अगर आपको कोई क्वेरीज है आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं फॉरम डॉट पेबली डॉट कॉम पर अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू